नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जनवरी 21 सीए फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है या जिनकी रैंक आई है, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी रहा है तो आपको निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपके पास मई 21 एग्जाम्स के लिए 2 महीने हैं और 2 महीने में आप अपने रिजल्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें मेरा जितना भी सपोर्ट रहेगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से जो भी रिवीजन वीडियोस हैं वो तो मैंने डाल दिए हैं, नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं और 5-6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक भी डाल दिए हैं। इसके अलावा जो ABC एनालिसिस है, मैं आप सभी के लिए वो वीडियोज़ भी डालने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये जो जनवरी 21 का एग्जाम था, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था, हमारा सेकंड बैच था। हमारा सेकंड बैच था, कैसे सेकंड बैच था, क्योंकि हमारा नवंबर 20 का जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, उसी की ये सेकंड साइकिल थी जनवरी वाली। तो ये हमारा सेकंड बैच था जनवरी 21 वाला। इसमें हमारी अभी तक जितने स्टूडेंट ने मैसेज किया उसके बेस पर अभी तक हमारी 5 रैंक आ चुकी हैं। अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक हमारी तो टोटल 5 रैंक आ चुकी हैं। मैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले वैभव हरिहरन जी, इनकी AIR 2 आई है और इनके SCMP में तो 94 मार्क्स है, जो एवर हाइएस्ट मार्क्स है। SCMP एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट के 40 मार्क्स तक नहीं आ पाते, इसमें इन्होंने 94 मार्क्स ले आए। अब 94 मार्क्स आप बोलोगे SCMP में कैसे आ सकते हैं, तो SCMP में देखो आप भी ला सकते हो, ऐसा बड़ी बात नहीं है, आप भी 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। बस आपको करना क्या है SCMP में, ऐसा नहीं कि खाली प्रैक्टिकल करना है। SCMP खाली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, SCMP थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी। आधा प्रैक्टिकल आता है, आधा थियरी आता है। और SCMP में मैंने आपके लिए मेरे क्लास के नोट्स तक शेयर कर रखे हैं, इसके अलावा रिविजन वीडियोज़ भी शेयर कर रखे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं वैभव जी की एक बात बताना चाहूँगा। एक बार मेरी लास्ट बार जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने टेस्ट दिया था, एक टेस्ट में इनके 92 मार्क्स है। तो मैंने इनसे बात करी, तब इन्होंने बोला था कि सर मेरा टारगेट है कि मुझे टॉप 10 में ही आना है, मुझे टॉप 10 के अंदर रैंक लानी है, मेरा टारगेट है ये। तो इनका इतना कॉन्फिडेंस था, इतना इनका टारगेट था कि इनको टॉप 10 में ही आना है, इस कारण ये देखो आज कहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने AIR 2 अचीव किया है। तो अगर आप भी टारगेट सेट करते हो, अगर आप भी अपने मन में इतना कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप भी ये मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये रैंक अचीव कर सकते हो। इतनी इसमें बड़ी बात नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है, टारगेट सेट करना है और कंटेंट ठीक फॉलो करना है, आप भी ये मार्क्स अचीव कर सकते हो। दूसरा, हमारी जो स्टूडेंट थी प्रतीक्षा भार्गव जी, इनकी AIR 15 आई है। इनके टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, FR में इनके 70 मार्क्स है, SFM में 72 मार्क्स है जो हमारी सब्जेक्ट है उसमें। अर्पित जैन जी AIR 29, इनके FR में 72 मार्क्स है, इंटरनेशनल टेक्स में इनके 80 मार्क्स है। अर्पित जैन जी जो हैं, एक बार बताऊँ मैं, अर्पित जैन जी जो मेरी फर्म थी CA फर्म जिसमें मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी R-Sobanian एसोसिएट्स, उसमें ये मेरे जूनियर आर्टिकल थे। और जब मेरी आर्टिकलशिप खत्म होने वाली थी तब इन्होंने ज्वाइन किया था। तो हमने लास्ट में एक ऑडिट साथ में की थी, एग्जाम बाद हमारी फर्म हमको ऑफिस बुलाती है, तब मैंने इनके साथ एक ऑडिट करी थी साथ में, और बाद में ये मेरे स्टूडेंट भी बने। तो इनके साथ मेरी काफ़ी सारी मतलब यादें जुड़ी हुई हैं एक तरीके से, क्योंकि हमने एक साथ में एक आउट बाहर की ऑडिट करी थी जिसमें 8-10 दिन हम साथ रहे थे। इसके बाद अगला है वसावी जी, इनकी AIR 36 आई है, DT में इनके 69 मार्क्स है। इसके बाद जय परवल जी, इनकी AIR 46 आई है। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट के जिनके मैसेज आए हैं अभी तक, उसके बेस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं हमारी सब्जेक्ट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले विदुषी मित्तल जी हैं, इन्होंने 15 साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली CA क्लियर कर लिया। ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब काफ़ी खुशी की बात, मतलब एक स्टूडेंट रैंक लाता है उससे ज़्यादा खुशी होती है जब वो इतना स्ट्रगल करके CA क्लियर करता है, तो उसको कितनी खुशी होती होगी ये आपको भी पता होगा। तो 15 साल के स्ट्रगल के बाद विदुषी जी हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने CA क्लियर किया। इसके बाद बालाजी जी हैं, इनके इंटरनेशनल टेक्स में 90 मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स अभी तक हाईएस्ट हैं एक तरीके से, मेरे अकॉर्डिंग इस अटेम्प्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरनेशनल टेक्स में 90 मार्क्स। रितिका जी के FR में 73 मार्क्स है, नमिता जी के SFM में 75 मार्क्स है, रोहन जी के SCMP में 65 मार्क्स है, गुंजन जी के DT में 60 मार्क्स है, योगेश जी के इंटरनेशनल टेक्स में 70 और DT में 69 मार्क्स है, हिमांशु जी के DT में 60 मार्क्स है, हर्ष जी के SCMP में 61 मार्क्स है, भूवेश जी के DT में 62 मार्क्स है, हिमानी जी के इंटरनेशनल टेक्स में 72 मार्क्स है, अंकित चौधरी जी के DT में 64 और इंटरनेशनल टेक्स में 74 मार्क्स है, तेजस जी के DT में 60 मार्क्स है, श्रेया जी के SCMP में 72 मार्क्स है, वनीता जी के भी SCMP में 71 मार्क्स है, गोविंद जी के FR में 60 मार्क्स है, प्रिया जी के DT में 64 मार्क्स है, अक्षय जी के DT में 76 मार्क्स है, श्रेया जी के SCMP में 82 मार्क्स है, अंकित जी के FR में 70 मार्क्स है और जयदेव जी के SFM में 76 मार्क्स है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट के जिसके अभी तक मैसेज आ गए, अभी 2 बजे तक का टाइम है, तब तक इनके जितने मैसेज आ गए उनके मैंने मार्क्स बताए हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद इनके जो सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट है हमारी सब्जेक्ट में मार्क्स, FR में 73 मार्क्स है, SFM में अभी 76 मार्क्स है, SCMP में वैभव के 94 मार्क्स है, DT में 76 मार्क्स है और इंटरनेशनल टेक्स में 90 मार्क्स है। ये हमारी सब्जेक्ट के मैंने आपको हाईएस्ट मार्क्स बताए अभी तक जिनका मैसेज आया, उसके बेस पर मैंने ये मार्क्स आपको बताए। तो मैं इन सभी स्टूडेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन सभी स्टूडेंट को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया,
हम पे ट्रस्ट दिखाया, हमारी क्लास पे ट्रस्ट दिखाया, हमारे टेस्ट पे ट्रस्ट दिखाया, हमारे नोट्स पे ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि हम नए नए थे और हम पे इन्होंने ट्रस्ट दिखाया। तो इन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आप सभी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। क्योंकि मैंने लगभग एक साल ही हुआ है, एक साल में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, यूट्यूब पर वीडियोज़ डालना, और एक साल लगभग एक साल में टेलीग्राम पर मैंने नोट्स वगैरह डालना स्टार्ट किया था। और आप सब ने इतना ट्रस्ट दिखा के, इतना सपोर्ट करके दोनों पे 50,000 सब्सक्राइबर कर दिए लगभग। यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर कर दिए और टेलीग्राम पे भी लगभग 48,000 to 50,000 सब्सक्राइबर आपने कर दिए। उसके लिए भी मैं आपको सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला था कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसा कभी भी मैंने नहीं बोला। फिर भी आपने इतना सपोर्ट किया, उसके लिए मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, आगे के लिए मैंने रिवीजन वीडियो लगभग डाल दिए हैं, SFM के कुछ पेंडिंग हैं वो डल जाएंगे, इसके बाद FR के भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। और इसके अलावा नोट्स भी मैंने काफ़ी सारे शेयर कर रखे हैं, क्वेश्चन बैंक भी 5 से 6 सब्जेक्ट के मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, जो मैं क्लास स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखे हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी। इसके अलावा ABC एनालिसिस की वीडियो भी मैं सभी सब्जेक्ट के लेकर के आऊँगा, क्योंकि ABC एनालिसिस से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आ रखे हैं कि उन्होंने ABC एनालिसिस को फॉलो करके इस बार एग्जाम क्लियर कर लिया, उनके पास 15 दिन बचे थे, 20 दिन बचे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कैसे कोर्स करे, उन्होंने उसको फॉलो किया और वो पास हो गए। तो ABC एनालिसिस ने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का हेल्प किया, नवंबर में भी हेल्प किया और जनवरी में भी हेल्प किया। तो मैं मई के लिए फिर से सभी सब्जेक्ट के ABC एनालिसिस फिर से बनाने वाला हूँ। वैसे लगभग सेम है, मैंने पहले भी बताया था SCMPE का चेंज होगा, बाकी लगभग सेम है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा जो छोटा मोटा चेंज होगा वो करके सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, वो हमेशा फ्री रहेंगे। नोट्स मैंने काफ़ी सारे शेयर कर रखे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है नोट्स। क्वेश्चन बैंक भी मैंने शेयर कर रखे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा है, आपको ज़्यादा निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप में फ्रस्ट्रेशन वगैरह आ रहा, देखो ओबवियस है कि फ्रस्ट्रेशन वगैरह आएगा, क्योंकि अपना रिजल्ट नेगेटिव आता है तो होता है ऐसा कि निराशा होगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप भागवत गीता की वीडियोस देख सकते हैं या भागवत गीता पढ़ सकते हैं। अगर आप ये करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 7 दिन के अंदर, within 7 days आपका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा आपका ये जो निराशा है खत्म हो जाएगी और आपका अपने आप फोकस बन जाएगा, अपने आप आपका एग्जाम पे फोकस बन जाएगा और ये सारी आपकी निराशा वगैरह खत्म हो जाएगी और गारंटी से आप एग्जाम पास कर लोगे। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, चैंटिंग, भगवद्गीता की वीडियोस देख सकते हो या आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, इससे आपका फ्रस्ट्रेशन वगैरह खत्म हो जाएगा। आप 7 दिन ट्राई करो, आपको आप पता चल जाएगा अपने आप ही, ये करके आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कंटेंट पे फोकस करना, कंटेंट आप ठीक कर लोगे तो आप डेफिनेटली है आप अगले अटेम्प्ट में CA बनोगे। आपको कोई नहीं रोक सकता CA बनने से, अगर आप कंटेंट ठीक रखोगे। कंटेंट अगर आप ठीक रखोगे, कंटेंट के लिए मैंने सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं और मैं गाइडेंस की वीडियोस बना दूंगा। बाकी मैंने काफ़ी सारे नोट्स मेरे शेयर कर रखे हैं आपके साथ, काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक लगभग 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक शेयर कर रखे हैं, रिवीजन वीडियोस लगभग 4-5 सब्जेक्ट के शेयर, 4 सब्जेक्ट के शेयर कर रखे हैं, और भी आ जाएंगे जो भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। और जिन्होंने भी क्लास ली, इन सभी को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए स्टार्टिंग में। तो थैंक यू सो मच। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आगे का हमारा रिजल्ट भी ऐसा ही रहेगा, इससे भी अच्छा रहेगा आगे का रिजल्ट, जो May 21 का होगा इससे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट को अब समझ में आने लगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब ये पता चल जाता है फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप आराम से अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो इन सभी को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए, फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।